गाइस, मैं हूं आकांक्षा सैनी और आप देख रहे हैं newstrack.com। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया की दुनिया में काफी हलचल हुई है। जहां इस वायरस की तादाद दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, इस समय इटली और ईरान कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं भारत, अमेरिका, पाकिस्तान समेत तमाम देशों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो लोग घर में खाली बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पर काफी कुछ अजीबोगरीब वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण लोगों में डर है, लेकिन इस वायरस के डर के चलते लोगों ने बेवकूफियों की सारे हदें पार कर दी हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। प्रिकॉशन लेते हैं, लाइक मास्क यूज करते हैं, वो सब करते हैं, तो एट द टाइम लोग हमें ऐसे करके चिंकी जा रहे हैं, कोरोना वायरस जा रहे हैं, ऐसे करके बुलाते हैं, तो ऐसा मत करना चाहिए। मतलब जो चल रहा है ये कोरोना वायरस, हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले तो हमें नेपाली, चिंकी, चाइनीज ये सब बोलता था, अभी तो कोरोना वायरस हो गया। जो आप ये कहते हैं कि कोरोना वायरस हो गया, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि मतलब इसमें जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो सब पढ़ने आते हैं यहाँ पे, और उससे बहुत ही गलत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कोई लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो पढ़ने आते हैं यहाँ पे नहीं, तो आप यहाँ ही हमें कोरोना वायरस वगैरह, चिंकी, चाइनीज, मोमोज वगैरह बोल के आप अगर डिस्करेज ना, डिमोरलाइज कर देते हो ये तो। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद उन्हें काफी नस्ल भेद का सामना करना पड़ रहा है। लोग उन्हें कोरोना वायरस कह के बुला रहे हैं, उन्हें रहने के लिए रेंट पर घर नहीं दे रहे हैं, लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस से जुड़ा एक अजीब वाक्या सामने आया। वाराणसी में काशी की गलियों में फिल्म स्त्री की तर्ज पर ओ कोरोना कल आना के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दीवारों पे लगे ये पोस्टर लोगों के लिए आकर्षण का विषय बने हुए हैं। सरकार लोगों को सेफ करने के लिए घर पर रहने की सलाह दे रही है। लोगों को खुद से दूर रहने और खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखने के लिए लोग घर में फ्री बैठे हैं। अब ये बोरिंग तो है ही, लेकिन घर पर लोग बड़े ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं। कोई गाने गा रहा है तो कोई म्यूजिक बना रहा है, और ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। सो गाइस, लेट्स डू द नमस्ते एंड बीट दिस कोरोना शिट। बात मेरी सारे लोग ध्यान से सुनना, मम्मी पापा दादा दादी मुन्नी या मुन्ना, हमारी ईगो कुछ ज्यादा उठी हुई है, नेचर भी इसीलिए रूठी हुई है। डोंट वरी सब हो जाएगा ठीक, स्ट्रॉन्ग बनो डोंट बी वीक, जमीर हम लोगों का मैला हुआ है, इसीलिए वायरस ये फैला हुआ है। सब स्टॉप हो गया, सेंसेक्स ड्रॉप हो गया, मत करो तुम इतना पैनिक, डूब जाएगी फिर टाइटैनिक, ट्रैवलिंग को रोक दो, इस वायरस को ठोक दो, ठोक नहीं सी। कोरोना वायरस को और फैलने से रोकने के लिए लोगों को बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में केरल पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पुलिस का एक ग्रुप मास्क पहनकर और एक फिल्म के गाने पर हाथ के जरिए सैनिटाइज करते हुए डांस कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी भी हैंड वॉश तकनीक के बारे में नहीं जानते। इस वीडियो के शेयर करते ही सोशल मीडिया पर केरल पुलिस को खूब वाहवाही मिल रही है। अगली वीडियो पर कोरोना के चलते सिंगर और एक्टर अली जफर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कोरोना वायरस पे गाने गाते हुए दिखे। मेरे ख्यालों पे छाया है एक वायरस मतवाला सा, ऊपर से शर्मीला सा, अंदर शैतान कसाला सा, ऐसा है वो पास कहीं, सुन लो ये बकवास नहीं। को कोरोना, को कोरोना, को कोरोना,
हाथों को धोना। केरल के एक शहर में एक कपड़े की दुकान है और ये दुकान आज काफी फेमस हो रही है। इस दुकान का फेमस होने का कारण इस दुकान का नाम है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या नाम है। इस दुकान के मालिक का नाम है परीत और इस दुकान का पूरा नाम है कोरोना परीत। लोग इस दुकान में आकर कपड़े कम सेल्फी ज्यादा ले रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद को आइसोलेशन में रख रही एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ये महिला माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 पर डांस करती नजर आ रही है। इस महिला का नाम है कैटरीना कोरोसिडाउ और इसका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कैटरीना ग्रीस से हैं और एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की फैन हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग कैटरीना को बिग बॉस में बुलाए जाने की डिमांड कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। ऐसे और भी वीडियो के लिए देखते रहिए newstrack.com। हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर जरूर करिए।